देसी ताक अपन बात अपन अंदाज। जय जोहार, जय हो। मैं हूँ संदीप अखिल, आप देखो तो हमारे साथ देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम सिंह टेकाम जी। आपके बहुत बहुत स्वागत है देसी टॉक में। धन्यवाद गा, मैं आप लोग जोहार, जय जोहार करत हूँ। बात की शुरुआत करथन, आपके जिन स्कूली शिक्षा है वो कहाँ से हो? आप स्कूली मंत्री भी हो और उखर से जुड़े भी हो, तो आप जिन्हें ज़्यादा अच्छा समझ पाते हो कि गांव के जिन परिवेश होते, गांव के जिन वातावरण होते, ये सब चीज़ आप बहुत नज़दीक से देखे हो, उखर बारे में आप हम लोग बताओ। हमन तो गांव खार के रहैया, गाँव में पैदा हुए, गाँव के स्कूल में भी पढ़े। वो समय इतना स्कूल नहीं रही थे कि पक्का के सड़क, पक्का के स्कूल, बिजली। हमन जब पढ़े तो उस समय तो कच्चा सड़क, उड़ता हुआ धूल और कच्चा मकान, खपड़ेल स्कूल, ऐसा स्कूल में हमन पढ़े। ओकर बाद फिर बगल के स्कूल में, मिडिल स्कूल में गए वहाँ पढ़े पर, वो हम 5-6 किलोमीटर दूर रही थे, तो वहाँ भी पैदल जाई पढ़े पर, उस समय कहाँ साइकिल मिल रही। सही कहना है। तो वैसे रेंगते जाई पढ़े पर, वहाँ छात्रावास में हॉस्टल में रहे। तो जे समय हमारे हॉस्टल में जब गए, उस समय बड़ा भारी अकाल पड़े रहे, बहुत अकाल। तो उस समय खाए किए पिए के बड़ा दिक्कत रहे। अच्छा। तो उस समय इंदिरा गांधी की सरकार दिल्ली में रही, तो उस समय दूध दलिया के सप्लाई हुई। अच्छा। तो सब छात्रावास में दूध दलिया हमन खाए के पढ़े वहाँ मिडिल स्कूल में। वहाँ से फिर प्रतापपुर आए, जब भी उनका नाम से विधानसभा है। सही कहना। फिर वहाँ 3 साल पढ़े वहाँ पे। ओकर बाद फिर अंबिकापुर आए, हमारे जब कमिश्नरी है वहाँ कुछ कॉलेज में पढ़े वहाँ। ओकर बाद फिर रायपुर में आ गए आयुर्वेदिक कॉलेज, यहाँ 5 साल पढ़े यहाँ। तो यहाँ पढ़ाई के बाद फिर राजनीति में आ गए। जी जी। स्कूल के समय में कोनो ऐसा शिक्षक जिन आज भी आपला याद हो, वो समय जिन आपला वो समय नवा दिशा दे हो ही? हाँ, वो समय हमर स्कूल में गुरुजी रही ने नारायण सिंह, अब तो नहीं है ना नारायण सिंह जो स्कूल रहे, वो कहें कि इतना पढ़ाई करो, वो तो कभो कभो तो संडे के भी स्कूल पढ़ाए हो। अच्छा। बोले कि इतवार के भी कोई छुट्टी नहीं है, इतवार के भी हाफ टाइम पढ़ाई। लेकिन वो समय के पढ़ाई और नहीं आई तो मारो पड़े। तो कह जो कभो टीचर से मार भी पड़ी साहब? हाँ, पड़े ना मार, पड़े मार मार पड़े ना भाई। और जे कि सबसे जो लेट आता है उसको सजा नहीं, उसको वहाँ स्कूल का मॉनिटर बना दिया जाए। पहले के समय में, आज के समय में पहले ऐसे होते रही से कि जैसे भाई टीचर सही बात पर ही लड़का मल्ला बोला है मारा है तो बोलत नहीं को घर वाले मन। लेकिन आज के समय में ऐसे कि लड़का ला थोड़ा छू भी दी तो बड़ा दिक्कत हो जाता। आज के परिवेश बहुत बदल गए। वो समय तो अगर कुछ जो अगर गुरु जी मार भी दीस ना तो घर वाला ने कह कि नहीं ठीक करी सोई। ये विश्वास रही सो टाइम के, ये विश्वास, ये कुछ बदमाशी कुछ करी सोई स्कूल में तभी तभी मारी थे। तो वो समय के जो हमन गुरुजी रही तो वो संडे के भी पढ़ावे, और वो समय के गुरुजी रही मन। और हमन लड़का जो जितना पढ़ाया लड़का रहे वो सब गुरुजी के कोनो रास्ता में अगर आवत है तो के देखी तो दूर यहाँ भाग जाइ, कहीं पूछे मत तुम कहाँ घूमत रहा, पढ़ाई वढ़ाई करते कि नहीं करता। और आजकल के लड़का तो गुरु जी कहीं देखे तो वही कर जाइए, और गुरु जी अंत अंत भाग थे आज के। सही कहना, वास्तव में समय तो, जिन्हें बदली से। लेकिन वो समय कर पढ़ाई जबरदस्त पढ़ाई रही, मतलब घर का भी कहें कि अगर कुछ गलती हुई तबे। और वो समय मतलब जो पढ़ाई रही से कि भले हालांकि कम रही से लेकिन होमवर्क मिले, शुद्ध लिख के आओ। और हमारे समय में तो पाठ पढ़ाई हिंदी का, चाहे कोई जो हिंदी का खास कर जो पाठ रहे, जब अगर कोई गद आ गई और पद जब कविता उविता हुई तो जब तक उसको पूरा याद कंठस्थ अगर नहीं है तो आगे नहीं पढ़ाए वो। ठीक है मतलब पूरा पढ़ाई करके आओ और कंठस्थ सुनाओ तब आगे बढ़ेंगे। तो तभी अगर मतलब अच्छा कोरा मतलब पूरा कोर्स पूरा होते रही। स्कूल शिक्षा जिन है ओला लेके आपके का सपना है? कांवर की आप ग्रामीण परिवेश में आप पढ़ाई करे हो और आप जानते हो कि का दिक्कत के सामना करना पड़ते, तो आपके का सपना है छत्तीसगढ़ के शिक्षा व्यवस्था ले लेके? हम तो अभी हमारे जो शिक्षा विभाग मोटी जिम्मेदारी हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी दे, तो मोर में सपना है कि एक अच्छा गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हुए और जेमें हमारे गुरु जीवन भी रहे, उनका बढ़िया ट्रेनिंग हुए, शाला में उपस्थिति बनकर होए, एकर सुनिश्चित होए। और अभी जन पहले होत रही कि
कोई परेशानी होए। तो गुरु जी मन कहे कि जब परीक्षा ही होने नहीं है तो हमें पढ़ाना भी नहीं है, तो ना तो पढ़ाए ना वो मन पढ़े। ठीक है, तो ये पांचवी और आठवीं में जब तक कोई परीक्षा नहीं हुई तब तक ये सुधार नहीं हुए। अब यही नींव है, जैसे बिल्डिंग का नींव अगर मजबूत है तो बिल्डिंग बड़ा बन सकते हैं। तो पढ़ाई का नींव ये मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल के पाँचवीं तक के और मिडिल पूरा आठवीं तक, अगर एकर नींव अगर मजबूत नहीं रही तो शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकती। तो मोर तो ये सोचना है कि एक मजबूती भी करना है और गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई भी करना है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले के जो गुरुजी ने पढ़ाए तो मतलब ओमन कर जैसे पढ़ाओ तो ध्यान से सुने भी, मतलब ओमन कर जो मन है और गुरुजी का जो पढ़ाई है ओमन कर जब तक तार नहीं मिली तभी तब वो उनको समझ में कि मैं कहाँ पढ़ावता है वो कहाँ समझाता है। तो ये मतलब कुछ मनोरंजन टाइप की पढ़ाई होए, कुछ अलग मतलब ऐसा मतलब गुरु जी लोग पढ़ाना चाहिए कि उनकर समझ में बात आ जाए, उनके समझ में उनके आ जाए, तब ये आगे शिक्षा कर गुणवत्ता ठीक हुई। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी जहाँ जुड़ जाते ओला लेके आम धारणा अलग हो जाते, तो वो धारणा भी बदले के आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ, मोर वैसे सपना है कि हम अपन स्कूल के और ओकर वातावरण शिक्षा परिसर के वातावरण में ऐसा परिवर्तन होए कि लोग सरकारी स्कूल में पढ़ाने में जो उसका जो गार्जियन है उसको गर्वान्वित महसूस होती है। हाँ, हमारे वहाँ पढ़ा था, हम सरकारी स्कूल में पढ़ा था। क्या कि जितना अभी जतका मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री से लेके और जितने हमारे मंत्री हैं सभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। ठीक है ना, है ना। तो सबका सोच यही है कि हमारे परिवर्तन करना चाहिए और वातावरण को इतना सुंदर बनाए, वहाँ पे इतना सुविधा दे दे कि कोई भी गार्जियन कहे कि हाँ मोर बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े। आप जिन्हें वहाँ से निकले अंबिकापुर से और बाद आप आयुर्वेदिक कॉलेज आए तो ओखर बाद आप राजनीति में आए, तो डॉक्टरी से राजनीति में कैसे प्रवेश हुआ आपके? राजनीति और कौन डॉक्टरी है, लेकिन दोनों सेवा के क्षेत्र, चाहे डॉक्टरी करे तो भी सेवा के क्षेत्र है और राजनीति करे तो भी सेवा के क्षेत्र है, पर शुरुआत मोर यहीं से हुई। शुरुआत पे तो हम जब कॉलेज में रहें अंबिकापुर में तो भी वहाँ पे एक संस्था है कि आज भी चलते हो NSS राष्ट्रीय सेवा योजना, ओकर काम है इसकी सेवा करो, कोनो कहीं तालाब बनाते हैं तो वहाँ वहाँ चल दो, कहो कोई बीमारी पड़ गए तो वहाँ ओकर व्यवस्था करो, उनको उनका सेवा करो, कहीं कुछ सफाई करना है तो वहाँ 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 पे सेवा योजना को कर दो। आज भी उनको वो चलते वहाँ, तो उनमें हमार जो ये नगर प्रभारी रही राष्ट्रीय सेवा योजना के, तो पूरा सर्वेल पूरा घुमाई, यहाँ चलो वहाँ चलो, ये देखो काम करो और कहीं आगे सेवा ही करना है। तो आप पता नहीं अब वहाँ से प्रेरणा रही थी का रही, लेकिन ओकर बाद जब यहाँ आए तो यहाँ चूंकि वो नहीं रही राष्ट्रीय सेवा योजना, लेकिन तब वो हमारे काम जो हम जब गांव देहात में जाई तो पढ़ाई के क्षेत्र में जीवन स्कूल नहीं जाए मतलब स्कूल चला भेजा, वो समय एक रात्रिपाली स्कूल भी रही, रात्रि कुछ पढ़ाए तो दिया बाती ओकर व्यवस्था करी, ओकर पढ़ाई का व्यवस्था करी, और कहो कोई बीमारी पड़ जाए कोई एपिडेमिक फैल जाए तो ओकर लिखा पढ़ी करी। तो यहाँ जब जैसे हमारे फाइनल ईयर में पहुँचे तो परीक्षा तो हो गई थी कॉलेज रायपुर। हाँ, तो जैसे फाइनल ईयर में पहुँच के परीक्षा उरीक्षा हो गई तो वही समय चुनाव मध्य प्रदेश का हुई मतलब होने वाला नहीं, लोकसभा का चुनाव हो गई इससे, विधानसभा का चुनाव नहीं हो रही इससे। तो वो समय ये रही कि नया मतलब युवा मतलब भी टिकट देना है, युवा मतलब भी टिकट देना है, तो वो समय हमारा सरगुजा महाराज रही श्री स्वर्गीय MS सिंहदेव के बाद में चीफ सेक्रेटरी रही, तो वो उनकर पूरा टीम रही पूरा हमारे जिला में, तो कभी कभी हमें जान तो मिले ना उनका राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत में कि कभी ये करना है तो कभी वो करना है तो चंदा उंदा लेके जाए, तो वो लोग बोले जाने रहे वो। और जब हम लोग का जो आयुर्वेदिक कॉलेज में जब PMT के थ्रू जब प्रवेश हुआ तो मेरा हो गया था इंदौर कॉलेज में हो गया था, वहाँ मैं जाके देखा तो मैं बहुत दूर है, तो कहाँ सरगुजा कहाँ इंदौर, बहुत दूर है। तो हम भोपाल आए, अब भोपाल आए तो महाराज से ही मिले पहले, तो महाराज हम तो सरगुजा के रहने वाले, आपके रियासत के रहने वाले हैं और मोर वहाँ होगी से एडमिशन इंदौर में, तो वहाँ तो बहुत दुनिया है, तो कहीं क्या करना है, तो वहाँ के अगर रायपुर हो जाती तो बढ़िया रहती, तो कहीं ठीक है कल आना। बल्लभ होम में गए वहाँ पे, वो कागज़ लिख के दिए वहाँ पे और मेरा
सीधा यहाँ हो गया। पहली बार कौन सा सन में टिकट मिल रही थी आपला? उस समय मिला था 1980 में। 1980 में, हाँ 1980 में। तो जब वहाँ पे गए हाँ। तो बोले कि आपको आगे आना है और जितना वहाँ के सब नेता इन सब कहें कि चलो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, नेता इसको बनाते हैं, इसको टिकट दिलवाते हैं। तो फिर वहाँ से भोपाल गए, भोपाल से टिकट तय हुआ, टिकट में फिर चुनाव लड़े, सब सब सहयोग किए, फिर चुनाव आगे। अब आने के बाद यहाँ मेरा भाईबा नहीं हो पाया था। अच्छा भाईबा यहाँ हाँ। बाकी था। तो मैं विधायक बनने के बाद यहाँ भाईबा, बड़ा रोचक बात बताया आपने, भाईबा का दिन यहाँ पे आया। तो भाईबा में तो सभी लोग थे, परिचित लोग थे, सबको मानता कि विधायक बन गए, फिर भाईबा को दिए, फिर पास भी हो गए। उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो गई, राजनीति में प्रवेश हो गए, विधायक बन गए 1980 में। हमारे फिर उस समय के नेता हमारे अर्जुन सिंह जी, जी जी, वो हमके फिर उनका मार्गदर्शन मिला हम लोग को, उनका बहुत अच्छा उनका गाइडेंस मिला कैसे कैसे करना है, क्या करना है। तो उनका एक क्वालिटी था अर्जुन सिंह में कि वो बोलते कम थे और काम अधिक करते थे। ठीक है, उनका बहुत कम बोलना और सब कुछ इशारे में करना, और उनका इसी चैम्बर बनाए थे तो यहाँ बैठे थे, लेकिन बड़ा टाइम के बड़ा पक्के वो, बिल्कुल ठीक है। अगर टाइम वैसे बिना किसी टाइम के कोई मिलते नहीं थे उनसे, अगर जैसे कल मिलना किसी को तो आज टाइम तय था उनका कि आपको इतने बजे आना है। तो उनका पीए थे यूनुस, अभी भी हैं वो। तो पहले जहाँ जहाँ बैठे थे उसके बैठक रूम में बोले कौन कौन ठीक है, कौन कौन आ गए हैं, कौन कौन आ गए, हाँ आ गए ठीक, इस गेट से आना, यहाँ मिलना, इस गेट से बाहर, मतलब क्या बात हुआ, फिर इधर से जाना इधर से, क्योंकि कोई पूछे कि अब मिले तो क्या बात हुआ, कैसे हुआ, अब इधर से आए, यहाँ मिले, इधर से आए, और जो भी मिला उससे बड़ा खुश। जब आप राजनीति में प्रवेश करो तो आपकी शादी हो गई सर? हाँ, उस समय शादी नहीं हो रही थी, ओकर बाद हुई। हाँ, तब आप नेता बन गए, ओकर बाद ब्याह हुई? हाँ, नेता बने के बाद मंत्री बने तब ब्याह हुई। ओकर जुड़े बात बताओ अपना। और मैं कहूँ कि अब आप सबको कहे कि जब आप कुछ नेता उता बन गए, शादी ब्याह हो जाए, ओकर बाद मंत्री उन्त्री बन जाए तब ब्याह हुए। तो सब कोई यात्री से दिल्ली है कि सब कोई चला दिल्ली, वहाँ काबर की टिकट वहीं से मिलने वाला है। तो मैं कहूँ भैया मैं तो नहीं जाऊँ दिल्ली, काबर की तय तो यहीं से होना है। तो कह नहीं सबको जाना है, तो सब कोई गया। तो अनूपपुर में कुल्लम मालूम है इसकी दिव्य से नीला कि ये सब दिल्ली जाए वाला है, तो वहीं से सब लोग फोन लगे इसको कहाँ जाओ थे तुम रे, सब कि दिल्ली जाओ, क्या दिल्ली वाला टिकट दे कि मैं दूँ टिकट, सब आपस में अपना अपना घर जाओ, और अपन अपन घर जाके जते काम तुम्हारे हो सके थे, वॉल पेंटिंग के और वॉल पेंटिंग लिखाई के, सबके संपर्क के, सब अपन अपन काम करो, टिकट मैं दूँ। तो मोला वो सुरता है वो बादला कि ओकर वो अत कॉन्फिडेंस रही थे, वो जेनला टिकट देना मतलब कि देना है और कहीं तुम अपन अपन घर जाओ, अपन अपन काम ना करो। और सही में वो टिकट दी सो, टिकट जीत के आए ना मन, और बाद वो मंत्री बनाई। अब मंत्री बनाई तो फिर भाई जिम्मेदारी बाढ़ गए, तब घर वाला में चिंता होगी, तब शादी विवाह कराओ भाई, सही समय आ गए, सही समय आ गए हैं। तो हमारे घर वाला में सब गिन कई जगह गिन, बिलासपुर भी गिन, तो बिलासपुर में एक डॉक्टरीन मिल गए, वहाँ पे बातचीत हुए उनके परिवार मन से, आपके साथ दोनों चीज़ें, आप डॉक्टर भी हो और राजनेता भी हो। हाँ, तो वो मिल गए। तब बातचीत हुई, हमारे चाचा बन यार ही ने तो बातचीत घर वाले से बातचीत हो गई, फिर मतलब बताइए कि हम गए रहे वहाँ पे बातचीत करे हैं, और तुर मन हुई तो हम जाके देख लेते। तो आपन के बीच में बहुत डॉक्टरी, आप डॉक्टर, तो कभी डॉक्टरी वाली बात हुई नहीं हुई कि हमेशा राजनीति के बात हुई? नहीं, होते डॉक्टर के भी बात होते, राजनीति भी बात होते, सब बात बात होते, डॉक्टर के भी बात होते, राजनीति भी बात भी होते, और दूसरा घर का भी बात होते, सभी किस्म के बात होते, पारिवारिक बात होते। खाने में आप लोग क्या पसंद है? खाना में तो मोर सिंपल खाना है, कोनो ऐसे नहीं है कि ईच खाना खाना है, जो मिल जाए। मैडम के हाथ के बनाए कौन चीज़ आपको अच्छा लगता है? मैडम के हाथ के बनाए रोटी अच्छा लगते, और साग बढ़िया लगते। कौन सा साग? बुहार भाजी अच्छे लगते, बुहार भाजी, कुल्हार भाजी, ये भाजी साग मतलब बड़ा पसंद है। अच्छा, और बनाते भाजी बनाते,
और नाश्ता बनाते सुबह सुबह बढ़िया नाश्ता बनाते तो कर बनाए भाई तो अच्छा लगने कर ही। एक चीज़ आप बताओ कि फिल्म जिन है हर आदमी बड़ा पसंद रही थी, आप अपन टाइम में आपके कौन हीरो आप अच्छा लगा था? अब हीरो तो सभी अच्छा थे। नहीं कोई बढ़िया जन जेकर फिल्म देख ले अच्छा लगता मुझे। हीरो तो मैं हीरो तो उस समय शत्रुघ्न सिन्हा रही से अच्छा। राजेश खन्ना रही से और कौन एक अमिताभ बच्चन फिर से इधर पिक्चर आप अच्छा लगा? अच्छा अमिताभ बच्चन राजेश खन्ना और देशभक्ति वाला रही से कौन मनोज कुमार तो वो फिल्म बने। और ऐसा कोई गाना जिन आप ला अच्छा लगते जब कभी गाड़ी में आप रहे वाला लगा दे भाई अच्छा लगते या कभी ऐसा गाना जीवन से जुड़े गाना? फिर छत्तीसगढ़ी गाना एक तो बड़ा पसंद थी वो कौन सा झूलतरी अंगना। अरे वाह वाह वो बना झूलतरी गोंडा इंजन गाड़ी फेमस के बहुत बहुत फेमस गाना ममता चंद्राकर गाना हुआ और उसमें बहुत चले वो गाना छत्तीसगढ़ी गाना हमने बहुत सुना नहीं लहा यहाँ पे जब हम जब पढ़ते रहे उस समय ये सब बड़ा धूम रहे गाना के। आप स्कूल शिक्षा मंत्री हो और अभी आज के समय में जिन सबसे बड़ी चिंता है कि लड़का मन जिन्हें खाली मोबाइल देखा था पढ़े के जिन आपके टाइम में पुस्तक पढ़े जाए लोगन जिन्हें अपन सीनियर से पुस्तक ले जाए। आज के समय ऐसे हर आदमी व्यस्त लड़का ज़्यादा पदों में थोड़ा मोबाइल थमा दे वो मोबाइल देखा थे तो आप ना कहा लगते कि लड़का मन वापस मोबाइल से पुस्तक में लाए पर आपके का पहल रही? ये मैं तो खड़े बढ़ाए तो बड़ा कठिन काम है काबर की लड़का मोबाइल अचानक नहीं पकड़ते हैं। आजकल के जो डायमंड है ना जीवन को कम तो अपन बच्चा ला अगर रोवत है तो वो नहीं बोला बोला कि कोई कोई कहानी सुना दे तो पहले रही थी ना कोई दादी नानी का अपन कहानी सुनाए अब तो वो तो खत्म हो गया। आपको अगर रोवत है तो मोबाइल धरा दो लोग बोले तो उस तरह पदासी मोबाइल कर हो गए तो मोबाइल पूरा सीख गए उसमें गेम खेलते वो करते एक थे एक नशा हो गया आज के युग में नशा में मोबाइल आ गए। पर हम एक कोशिश ये कर रहे थे कि इला कैसे कम करे तो मोबाइल में पढ़े वो अभी स्कूल के जन किताब है इनमें थे QR कोड है QR कोड मतलब जैसे किताब तो पढ़े करी किताब लग पढ़ी पर इतने वो में कोड है कोड ला मोबाइल के सामने वो के रख के क्लिक करी तो पूरा किताबों में आ जाइए बहुत अच्छा किताब आ जाइयो किताब में का होकर प्रश्न है होकर उत्तर भी में आ जाइए तो ये मतलब मोबाइल भी पढ़े वो मोबाइल में भी पढ़ाई करे होना तो लगा था वो भी कुछ कमी होकर आ सके थी। अब जिसे अभी सबके क्रिकेट के बड़ा नशा है पूरा दुनिया लगी सब क्रिकेट देखा था सब क्रिकेट देखा था हमारे कहते हैं कि हमारे क्रिकेट थोड़ा खिलाब हो मोबाइल में खिलाब बच्चा मन रहा कि तुम क्रिकेट मोबाइल में खेलो मोबाइल में एक ऐप बनाओ था ना मन तो ऐप में कह रहे कि आपके कौन टीम से खेलना है तो आप उसमें वो में करो कि कौन टीम से खेलना है आप बॉलिंग करो उसमें आप लेकिन रन आप जब मिली जब आप एक क्वेश्चन एक बनाई तो क्वेश्चन के जब उत्तर आप सही बताऊ तो मैं रन मिली होगा लड़का मतलब बड़ा मजा भी आई हाँ तो मजा आई तो खेल खेल में पढ़ाई हो जाइए वो बॉलिंग करी हो और क्वेश्चन में आई क्वेश्चन तो क्वेश्चन का अगर सही उत्तर मिली तो मैं रन मिली हो बहुत अच्छा हाँ वो अगर हाँ अगर गलत आ गया तो कर बहुत अच्छा हाँ तो मोबाइल ले माता हटा कर और वो में ओकर पढ़ाई कर भी एक अच्छा जोड़ के हम देखा थे नोला आप अतका समय दे अतका सुगर सुगर बात करे हो और देसी टॉक में अपन देसीपन से मन जिन बात करे ओखर पर पूरा देसी टॉक के टीम के तरफ ले मैं आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद दे आप लोग भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए और अच्छा गोट बात हुई बातचीत हुई बने अच्छा लगी आप सबला जय जोहार सिर्फ स्वराज एक्सप्रेस में।